हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 10 तारीख। अभी सुबह सुबह का टाइम है, साफ सफाई के काम निपट गए हैं, नहा धो के रेडी हो गई हूँ मंदिर में जाने के लिए। तो अभी भोलेनाथ पे जल चढ़ा आती हूँ, फिर आके नाश्ता पानी बनाऊंगी। चलो अभी जा आती हूँ। और मेरे को है ना पार्क से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गली हो रखी है बहुत खराब। कल भी पार्क से ही गई थी, पार्क का रास्ता बहुत सही है तो पार्क से ही जाऊंगी। हरियाली से होते हुए मजा आता है, पार्क से जाते हुए एकदम पेड़ पौधे हरियाली हरियाली देख के मन खुश हो जाता है। चलो अभी मैं जा आती हूँ मंदिर। और अभी शाम का टाइम हो गया है, चाय पानी का टाइम हो गया है, तो मैंने अपने लिए बना लिया है बनाना शेक, और सबके लिए मैंने चाय बनाई है। सुमित के दोस्त भी आए हुए थे, मम्मी भी थी, तो सबके लिए चाय बना दी है। और चाय पानी हो गया है, तो अभी जो ये बर्तन है चाय पानी के, तो ये साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर मेरे को और मम्मी को पुनीता से मिलने के लिए जाना है। तो मैं चाय पानी के बर्तन वह साफ करके सारे काम निपटा के फिर ही जाएंगे, फिर खाने के टाइम ही आया जाएगा, क्योंकि शाम तो अभी हो ही गई है। और एक बार तो वैसे पुनीता सुबह मिलने आ गई थी, पर थोड़ी देर के लिए ही आई थी, नीचे आई थी वो, तो 2 मिनट के लिए आई थी। सुबह काम का टाइम होता है ना, तो अच्छे से मिला नहीं जाता। फिर पुनीता बोली शाम के टाइम आ जाना, फिर बैठ के अच्छे से बातें करेंगे। वहाँ चलो ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जाएंगे अभी हम, मतलब खाने का भी टाइम नहीं है, चाय पानी का भी हो गया और खाना भी लेट ही बनाना है, तो ये खाली टाइम था। और कल पुनीता है ना 9 बजे के आसपास आ गई थी। हमने तो ये सोचा 11, क्योंकि आंटी बोल रही थी कि 11 बजे आएगी, तो हमें पता भी नहीं चला कब वो आई। हम तो यही सोच रहे थे 11 बजे आएगी, तब तक तो हम सो ही गए थे। और अभी है ना जैसे हमारे गली में कीचड़ हो रखा है, नहीं तो घर के आगे आके गाड़ी रुकती तब पता चल जाता, वो पीछे ही गाड़ी रुकी होगी, फिर वो पैदल चल के आए होंगे, तो इसलिए हमें भी पता नहीं चला कब मैं क्या गई। पर जब आज सुबह आई ना, तब बताया उसने कि हम तो 9 बजे आ गए थे। तो बस अभी अपने काम निपटा के और मैं और मम्मी दोनों जाएंगे आंटी के घर। वैसे पुनीता तो अभी गई थी 1.5 महीना पहले, 1.5 महीना हुआ गई हुई को, पर सिया को बहुत दिन हो गए आए हुए, 1.5 साल हो गया, तो सिया को तो 1.5 साल बाद देखेंगे हम। वैसे फ़ोटो में तो मैंने देखी है, लेकिन आमने सामने और फोटो में देखने में तो फ़र्क होता है। और अभी है ना शाम के 5 बज गए हैं, और मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं पुनीता से मिलने के लिए। कल आ गई थी ना पुनीता, तो अभी जा रहे हैं, फिर तो खाने का टाइम हो जाएगा। अभी ना तो खाने का टाइम है, चाय पानी का भी टाइम जा चुका है, तो अभी बैठ के 1-2 घंटा बातें कर सकते हैं हम, तो हमने सोचा अभी चले जाते हैं। वैसे हमारे घर पे सुमित के दोस्त आए हुए हैं, तो उनके लिए मैंने चाय पानी बना दिया है, वो अभी काफ़ी देर तक बैठे रहेंगे, तो मेरा भी यहाँ अभी कुछ काम नहीं है। तो मैंने और मम्मी ने दोनों नहीं सोचा अभी जाके मिलाते हैं, फिर मेरे को भी आके खाना बनाना है, और आपको सिया से भी मिलवाऊंगी। सिया से मिले तो बहुत दिन हो गए मेरे को ही, मतलब 1.5 साल से ऊपर ही हो गया सिया को आए हुए इंडिया। पहले जब आई थी ना सिया पिछली बार, तो तब तो उसको हिंदी आती भी नहीं थी बोलने, शुरू में तो उसको इंग्लिश इंग्लिश ही समझ में आती थी, समझ भी तो थोड़ी बहुत लेती थी हिंदी, लेकिन बोलने बिल्कुल नहीं आती थी। तो जब वो लास्ट में जाने लगी ना, तब वो हिंदी सीख गई थी, तो अभी देखते हैं अब तो शायद आती होगी। कह रही थी पुनीता कि उसको सारी हिंदी बोलनी आ गई अब तो, जाके सिया से मिले, काफ़ी दिन हो गए, बड़ी हो गई होगी अभी तो। चलो आपको भी मिलवा के लाते हैं सिया और पुनीता दोनों से। और क्या करो, कई जोड़ी चप्पल निकल रही है, चप्पल चप्पल हो रही है बाहर, जन गणे आदमी अंदर। पहुंच गए हम पुनीता से मिलने के लिए आंटी के घर। चलो हेलो, खोयो मेरी चप्पल चप्पल हो गई यहाँ पर, तो कहाँ हो? अंदर उस रूम में होंगे ना, अंदर हो गए। हाँ डोलू बोलू सिया, अच्छा सिया अपनी तो कोई भी नहीं। अच्छा निकल गया छुटकू, हंसने लग गया, थोड़ा और बड़ा हो गया है ना, और बड़ा हो गया। नहीं जंग आया है ना, एक इतना सफर करके आया था, थक गया होगा, बाल तो बड़े बड़े हो रहे हैं इसके। आ गई पुनीता, मिलो भाई पुनीता से। सोया ना है, 3:30 4 घंटे हो गए उठे। सिया कहाँ गई रे?
सिया पापा के साथ। ओ तेरी बहुत दिन हो गए, सिया ने तो 1.5 साल हो गया देखे। एक महीना और भी ऊपर। अच्छा 13 महीने कितने पुनीता से? नौ से नहीं मिले हम सिया से। अभी निकले, अभी गई है वो पापा के साथ ना पार्क। अच्छा अच्छा कोई नहीं, आ जाएगी। कितनी देर में आती है पार्क से? नहीं आ जाएगी पारा, कौन सा दूर है। कोई ना, और क्या बाय हो तो सामान तो फैल जाएगा। एक जाती ओढ़ एक आती ओढ़ है ना, खोल दी और सारी ये भी खुल गया वो भी खुल गया। ऐसे ही होता है, आने जाने में सामान तो फैलता ही है। ये हो गया बस, इसको नीचे रख दो, कपड़े तो पड़े ही है। ये खाली करो और फिर भरो, यही चला है आने जाने में तो। आ जाएगी सी, अभी कितनी देर में आती है पार्क से? बस तो फिर मिल लेंगे। अच्छा सिया आ गई, सर मारे है ना इसलिए छुप गई, उधर छुप गई जाके उस रूम में। देखिए सिया से मिला, सिया भूल गई क्या? चाय बता देना ताई जी। शर्मा रही है ना अभी, शर्माने लग गई। शर्मा क्यों रही है तू? एक बार मैंने सिया की पुरानी वीडियो देखी, इतना सुंदर। अच्छा अच्छा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर शर्मा ने लग गई। इतना क्यों शर्मा? अच्छे से राम राम बोलो राम ताई जी बोलो तो। बच्चे जितने बड़े होते जा ना, राम राम बोली हुई धीरे धीरे। दादी को सुदेश दादी, दादी जी उधर उधर, ये सुदेश दादी जी। राम राम दादी, भूल गई सिया। कैसा मीठा दूध लेगी या कैसा लेगी? बोली कैसा, अब बेचारी को क्या पता कैसा क्या। नुको फिक्का ले एक मीठा, तब ये बोलो मीठा लूंगी। फिक्का नहीं पता? अच्छा मीठा तो पता है। अच्छा फिक्का बोलना ही नहीं होगा कभी इसके आगे, फिक्का नहीं पता। बिना शुगर का ही पिया, दूध प्लेन ही पिया। अच्छा मतलब फिक्का ही पीवा है इसको पता, फिक्का फिक्का कौन सा हुआ है? बोलो वैसा ही। ये कौन से शैम्पू है? बड़ी आड़े हैं के? हाँ ये शैम्पू है, ये बॉडी वॉश। अच्छा ये बॉडी वॉश। अच्छा अच्छा शैम्पू कौन सा है? काऊ मिल्क बात है ये। अच्छा काऊ मिल्क बात है भाई, इसीलिए तो बिना ये चप्पल आंटी की। लो ये किचन में ये टी शर्ट आंटी और अंकल की टी शर्ट पुनीता लेके आई है। दीदी की दो टी शर्ट आ गई, ठीक है। अभी इतना ठंडा तो नहीं हुआ, ठीक ही है ना। जब तो डिब्बा लेके आ रही चॉकलेट फुल्ला का, देख लो सही है। जिसके घर में बच्चे नहीं हो ना वो तो रख सकते हैं ऐसे, बच्चे होंगे तो खा जाएंगे। और चॉकलेट आ गई हांगकांग की। कपड़े तो बहुत सुंदर लगे हैं भाई, है ना। ये स्कर्ट उठा के दिखाई, स्कर्ट बहुत सुंदर है। रक्षाबंधन वाले दिन, हाँ ये दोनों मैचिंग है ना, तो रक्षाबंधन वाले दिन दोनों बाण भाई मैचिंग मैचिंग पहन लेंगे। ये स्कर्ट बटो बड़े कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। चार तीन लड़कियों के और तीन लड़कों के, ऐसे सुंदर है भाई। छह बच्चे हैं, लड़कियां के कपड़े तो एकदम छोटी छोटी है, कैसे प्यारे प्यारे कपड़े। मैं मैरून कलर की साड़ी पहनूंगी, इनको भी मैरून कलर का पहनेंगे तो सारे एक जैसे मैचिंग मैचिंग पहन लियो। आजकल सारे मैचिंग का जो दिन कसन है। ये बच्चों के लिए छतरी लेके आई है पुनीता, कितनी सुंदर है, आइसक्रीम जैसा बना हुआ है। सही है, कवर हो जाए, सही है। प्लास्टिक साइज ऊपर का आ जाए, इकट्ठा हो जाए। हाँ फिर ढक जाए, आप भाई गीली हो ना तो ऐसे कैसे डालो, कुछ गंदा खराब नहीं होगा, बाद में सुखा लेते। कौन जो दीदी अभी गई थी ना जब लेके गई,
वैसा ही है है ना, कलर भी डार्क सेम नहीं है। इसका छोटा है, इसका छोटा ब्लाउज है, मतलब ऐसे वाला है। उसका ऐसे पेपलम टॉप था, कलर में भी थोड़ा सा ये डार्क ग्रीन है, डार्क सुंदर। बच्चे लड़कियों के कपड़े तो इतने सुंदर आया, सारे लगे भी अच्छे हैं ये ना। हाँ। ये लगा रखी है ये आजकल, ये लेस लगा हुए सलवार पे भी, कमीजा पे भी, इसके तो ये भी है, अरे जी तो ये भी है, देखो ऐसे फिटिंग के लिए ना। हाँ। 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 सही है, सलवार के पोंछे तो नीचे रोने लग गया, रोने लग गया, भूख भी लग गई कई दिन, बस कपड़े चेंज रोने लग गया भाई, छुटको कती है, छोटी सी है, भारी कितनी है ना, कितनी भारी है देखो, बहुत ही ज्यादा घेर है इसका। फिर मैंने ये बड़ी मंगवाई इसकी, ये भी ऐसी ही है, हाँ ये भी सही, इतना ही घेर है, सुंदर लग रही है। कहाँ से, यहीं से मिल रही थी, हांगकांग से। अच्छा बहुत सुंदर है भाई, स्कर्ट हांगकांग से मिला ही है, ऐसी स्कर्ट है। हाँ आंटी वहाँ पैदा होते ही लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं, अपने जैसे नहीं है कि लड़कों जैसे बनाते हैं, लड़कियों को ना लड़कियों के ही कपड़े पहनाने चाहिए, तभी सुंदर लगते हैं। ये फिर देखो सिया का, उसको सिया को तो मतलब सिया के इतने कपड़े हैं देश बिना के है, एक पूरी अलमारी ना ऐसे टांग रखे है मैंने इसकी, फ्रॉक ऐसे कर हाँ कसूती है, स्कर्ट है वो भारी, इसमें तो चाल जब नु जबरदस्त लग रही है, एक नंबर की, मुझे सच्ची में ये सबसे प्यारी फ्रॉक लगती है, दोनों ही प्यारी है, ये भी प्यारी है, ऐसी है, सही है। एक दिन पहना ये मैं दिखाना, पिज्जा पाती तो यही पहनती, ग्रीन कलर की सूट पहनती भाई, वो वाला ग्रीन कलर का है, कुछ और कोई तो टॉप पहना होगी कुछ छोटा। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, अभी तो मैं यही रख देती हूँ, ज्यादा ही सामान। और अभी 7:15 बज गए हैं, तो आ गए हम वापस घर, क्योंकि मेरे को बनाना था खाना, मिलाए हैं पुनीता से, ढेर सारी बातें कराए, 5 बजे गए थे तो 7:15 बजे आए, मतलब 2 घंटे खूब बैठ के बातें कर ली, चाय पानी पी लिया वापस से, पेट ऐसा भर तो गया, लेकिन फिर भूख लगाएगी थोड़ी देर में, तो खाना बनाना तो जरूरी है, तो मेरे को अभी खाना बनाना है। और अभी तो पुनीता की बैग अनपैक ही कर रही थी, तो सारा सामान फैला पड़ा था, यही अभी कहीं से आओ तो बैग अनपैक करने में जाते हैं 1-2 दिन, और कहीं जाओ तो पैकिंग करने में तो कई दिन लगते हैं, सामान खरीद खरीद के पैक करो तब भी सामान ऐसे ही फैला रहता है, और आते हैं तब भी ऐसे ही फैला रहता है, तो आज तो पूरा ही दिन अनपैकिंग में गया होगा, और साथ में फिर और भी काम चलते रहते हैं। चलो मिला है, बहुत अच्छा लगा मिल के पुनीता से, सिया से, तो बहुत अच्छा लगा, और फिर देखते हैं फेस्टिवल अभी साथ साथ में मनाएंगे, शायद रक्षाबंधन पे तो चली जाएगी पुनीता अपने घर, पर जन्माष्टमी तो साथ में ही मनाएंगे। चलो तो मैं अभी खाना बना लेती हूँ, और इस व्लॉग का भी यहीं ऐड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।